स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया के बाद अब इंग्लैंड को भी एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच इस पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पहला मुकाबला जो हैदराबाद में इंग्लैंड ने जीता था उसमें उनको नी इंजरी की जो शिकायत थी वो हुई थी, जिसके बाद आप देखें कि जैक लीच से दूसरी पारी में, जिसे बोले कि सेकंड इनिंग में ओवर्स भी कम कराए गए, और दूसरे टेस्ट मैच में जो वाइजैक में इंडिया ने मुकाबला जीता था उस टेस्ट से वो बाहर भी हो गए थे। लेकिन अभी ईसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उस स्टेटमेंट में जैक लीच को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो उनका नी इंजरी का इशू था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब वो पूरी टेस्ट सीरीज से, यानी कि जो तीन टेस्ट मैचेस इस सीरीज में बचे हुए हैं, राजकोट, रांची और धर्मशाला, पूरी टेस्ट सीरीज से वो बाहर हो चुके हैं। और ये बड़ा, जिसे बोले कि कंसर्न, जिसे बोले कि इंग्लैंड के साथ निकल के आया है कि जैक लीच उनके सबसे ज्यादा अनुभवी गेंदबाज इस सेटअप में आप मान सकते हैं, वो ही अब सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो इंग्लैंड को बॉलिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। बेन स्टोक्स की टीम को बड़ा झटका लगा है, जिसे बोले कि खामियाजा हो सकता है कि अगले तीन टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड को भुगतना पड़े। अभी सीरीज 1-1 से बराबर है। हैदराबाद इंग्लैंड ने जीता था, वाइजैक इंडिया ने अपने नाम किया था। अब जो कारवां है वो राजकोट जाके पहुंचेगा और अभी 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि इंग्लैंड को फ्लाई करना है राजकोट के लिए, क्योंकि 15 तारीख से तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा राजकोट में। सीरीज 1-1 से बराबर है और वहां पे इंग्लैंड को बिना जैक लीच के अपनी 11 उतारनी पड़ेगी। और बेन स्टोक्स के लिए आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा सरदर्द, हालांकि उनके शोएब बशीर भी अच्छा कर रहे हैं, आपके टॉम हार्टली भी अच्छा कर रहे हैं, रेहान अहमद उनके पास एक जिसे बोले कि स्पिनर है, तो तीन स्पिनर आपके पास ये हैं। जो रूट का भी एक कॉम्बिनेशन वो ट्राई करते हैं और लगातार जो रूट अच्छी बॉलिंग करते रहते हैं। अब ये है कि जैक लीच की कमी कितनी इंग्लैंड को खलती है, कितनी नहीं खलती, ये देखना होगा राजकोट में। और इंडिया के तरफ से तो आपको बताइए कि विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, केएल राहुल सब्जेक्ट टू फिटनेस है, रविंद्र जडेजा सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अब देखते हैं कि इनकी इंजरी पे क्या अपडेट आती है, क्योंकि अभी भी इस टेस्ट मुकाबले को शुरू होने में 4 दिन बाकी है, यानी कि 15 तारीख से ये मुकाबला शुरू होगा और आज है 11 तारीख। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।